अब देखें सुपरफास्ट फ्यूचर्स और अब ऑप्शंस रणनीति बताने के लिए जीपीएल कैपिटल से पुष्कराज कनितकर मेरे साथ मौजूद है। पुष्कराज नमस्कार, स्वागत है। सेटअप बहुत स्ट्रांग, सुबह से एक्यूमुलेशन स्ट्रांग है निफ्टी पे और यूरोपियन मार्केट्स की पॉजिटिव ओपनिंग हुई है। ऐसे में एक स्टॉक ऑप्शन बताएं सर इस सीरीज की शुरुआत के लिए। जी फिलहाल अभी इंडसइंड बैंक में एक अच्छा खासा जिसे कहेंगे रेजिलियंस ब्रेक्सिट के टाइम भी दिखा है और आज करीब 1125 से के बीच में ट्रेड कर रहा है। लग रहा है ऊपर की तरफ करीब 1155 से 1160 तक ये जा सकता है और इसके चलते हुए हम 1140 की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं। करीब 27-28 रुपए में शायद ये अपने को मिलेगी। ऊपर की तरफ जैसे मैंने आपको बताया 1155 से 60 की लेवल में अगर आता है तो करीब 36 से लेके करीब करीब 39 की लेवल तक हमें ऊपर दिखाई देगी। साथ ही साथ नीचे की तरफ अगर 1105 की लेवल टूटती है जो कि एक ब्रेकआउट लेवल है तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसके लिए लाजमी होगा कि 16 या 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड में जरूर करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन क्या एक दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए ये रणनीति आपको लगता है कि जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं वो खरीदारी के रडार पर आ जाएंगे सर? निजी क्षेत्र के बैंक वैसे खरीदारी के मोड में है एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक जहां पे अभी तक जिसे कहेंगे एक पॉजिटिव बिल्डअप अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। ओके okay. लेकिन ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक छोड़ के इंडसइंड बैंक हुआ, येस बैंक हुआ या एचडीएफसी बैंक हुआ, सेटअप काफी हद तक पॉजिटिव लग रहा है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 1155-1160 ये लेवल स्पॉट के हिसाब से इंडसइंड बैंक जा सकता है। इस केस में 1140 की आपको एक स्ट्राइक खरीदनी है, कॉल 26-27 रुपए के आसपास मिल रही है, 40 रुपए का टारगेट है, 39-40 रुपीज का टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो 17 का फॉलो करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। लेकिन गौरव जी आपके रडार पर तीन स्टॉक्स कौन से हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? मैं पहले ग्लेनमार्क फार्म में बाय करने की सलाह दूंगा। अच्छा सर लॉन्ग से ग्रेन ब्रेकआउट आ चुका है, एक 795 के स्टॉप लॉस आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, 850 का टारगेट होगा। दूसरा है मेरे को इसमें काफी लंबे से इसमें लॉन्ग फ्यूचर्स में एक्युमुलेशन होता, रोलर्स भी काफी अच्छे हैं, ब्रेकआउट की कगार पे है, 285 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 260 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और लास्ट है वो टेक महिंद्रा है, इसमें अच्छे खासे शॉर्ट कवर देखी गई है, यहाँ से अभी 530 तक के लक्ष्य को देखने मिल सकते हैं या 2 या 3 दिनों में प्रोडक्ट शायद मंडे को भी 530 ओपन हो जाए, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो 508 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 530 का इसमें टारगेट होगा। चलिए टेक महिंद्रा इसको रडार पर रखें, ये एक्युमुलेट होगा। मैरिको दूसरा स्टॉक जहां पर तगड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो रहा है, ये यहाँ पर डिलीवर कर सकता है सीरीज की शुरुआत में। और एक और काउंटर है ग्लेनमार्क जिसमें मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग, एलकेपी सिक्योरिटीज के रडार पर तीनों ही स्टॉक्स हैं। लेकिन पावर फाइनेंस और आरईसी दो कंपनियों के ऊपर बताएं, ये दो स्टॉक्स क्या यहाँ से भी और बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, आपकी राय सर? देखिए आरईसी में काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं और 160 से 165 ऐसा जोन था जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन वगैरह भी स्टॉक्स वगैरह में हुआ है। तो अगर किसी को यहाँ पे लेना है 174-175 पे तो यहाँ पे एक जो टारगेट्स ऊपर कहेंगे 185-190 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड स्क्यूट रहेगा लेकिन फिर भी 168-169 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। यहीं से पिछली बार जो शुरुआत हुई थी फ्रेश लॉन्ग्स की वो 160-170 के जोन से हुई थी तो उसी का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके लिए थोड़ा पैनिक आ सकता है तो वो आप बाय कर सकते हैं। पीएफसी मेरे सबसे आरईसी थोड़ा बेहतर है कंपेरेटिव टर्म्स में अगर बात की जाए, लेकिन पीएफसी अगर किसी को लेना है तो मैं कहूँगा इसमें भी आपको 185-190 के लक्ष्य ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप बन रहा है जो आरईसी का है तो वही लेवल्स के लिए काफी स्ट्रॉन्गली एक्युमुलेशन है आज के सत्र में। हेवेल्स 369-370 के जोन्स पे कैसा लग रहा है आपको? देखिए हेवेल्स का जो 360-370 का जोन है यहाँ पे इसने काफी बार ट्रेड किया है, काफी रेजिस्टेंस के आसपास ही रहा है, 370 काफी रेजिस्टेंस था तो मैं बाय की सलाह दूंगा, लेकिन प्रोबेबली अबाउट 370 आपको ब्रेकआउट आप कह सकते हैं, आपको मोमेंटम पास जो हो सकता है वो है और उस सूरत में आपको 380-385 के टारगेट होंगे और 364 स्टॉप लॉस होगा इसमें। राइट, और ये जो ऑटो फाइनेंस काउंटर्स हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल, ये स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पे? एमएनएम फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें काफी अच्छे ब्रेकआउट है, लॉट ऑफ लॉन्ग पोजीशंस हैव बीन बिल्ड तो वो भी काफी अच्छा संकेत है इसके लिए, तो वो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसलिए काफी अच्छा लग ही रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। 342 अगर आप स्टॉप लॉस लगाइए, जो टारगेट्स होंगे 360-370 आपको उम्मीद मिल सकती है इसमें। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी काफी अच्छा लग रहा है, 1225 का स्टॉप लॉस रखिए, 1260-1220 का स्टॉप लॉस रखिए, इसमें आपको ऊपर के लेवल्स पे 1270 तक देखने मिल सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की खबर ड्राइव कर गई है आज,
आईओसी जैसे स्टॉक्स को, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, कोई स्टॉक इन लेवल्स पे खरीदने की सलाह देंगे सर आप? ये लेवल्स पे नहीं, काफी बढ़ चुके हैं स्टॉक, मोमेंटम काफी आ चुका है, निफ्टी भी ऊपरी स्तर पे आ चुकी है, तो अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई तो उसी में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दूंगा। एक स्टॉक है जो निचले स्तर से बहुत स्ट्रांगली एक्युमुलेट हुआ पिछले कुछ दिनों में, वो है सीएट, लेकिन इन लेवल्स पे एग्जिट कर जाए जिन्होंने पोजीशन बनाई हो दो तीन दिन पहले? देखिए कर सकते हैं, मेरे सबसे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना एक बार सेंसिबल होगा, अगर थोड़ा नीचे आपको मिलता है 4-5% वापस आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये स्टॉक बस कर रहा है एफएनओ मार्केट में, परसेंटेज के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्गली कमाई करा रही, कल के सत्र में बहुत एक्टिव था सीरीज के आखिरी में, और सीरीज की शुरुआत काफी बेहतर की है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने, क्या किया जाए यहाँ पर, अभी और तेज होगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लें? मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए 94 हाफ के या 95 की स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसमें, एक बार ये 90 रन तक लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं, 90 रन 100 सस्टेन कर गया तो फिर आप जो प्रीवियस लेवल्स थे जो 102 103 के बार बार वहाँ पे जा रहा था ना, वो आपको देखने मिल सकते हैं, फिलहाल आप इसको होल्ड कीजिए और 95 हाफ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। राइट, और साथ ही साथ एक डॉक्टर रेड्डीज, ये स्टॉक कैसा लग रहा है चार्ट्स पे आपको? देखिए काफी ऑलरेडी भाग चुका है, अगर आपको 34-50 तक मिलता है तो आपको इसमें थोड़ी संभावनाएं बढ़ेंगी, आपको और इसमें मोमेंट वगैरह मिले, मतलब चांस वगैरह मिले, अभी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास ही है, तो यहाँ पे मेरे से प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए, नीचे अगर आता है स्टॉक तो वापस आप ले सकते हैं, या एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी आप उसको होल्ड कीजिए ऊपर लेवल्स के लिए, एक बार यहाँ पे फ्रेश एंट्री मत कीजिए। चलिए ठीक है, एक बार बैक टू बैक जो इस शो में राय आई है स्टॉक्स पे फटाफट से वो ले लें, L&T, IRB, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छी तेजी इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिल सकती है, और कुछ काउंटर्स जहां पर आज ट्रेडर्स इनफैक्ट जो जानकार जिन्होंने पॉजिटिव व्यू दिया उसमें ग्लेनमार्क, मेरिको, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर आप रेडार पर रखें और ये स्टॉक्स काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो सकते हैं, टेक महिंद्रा एक और स्टॉक जिसपे आज या फिर आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशंस में काफी स्ट्रॉन्गली एक्युमुलेशन देखने को मिल सकती है। गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।